नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया और मैं हूं आपके साथ सलोनी शर्मा। खबरों की शुरुआत करते हैं। खबर गाजीपुर से है, जहां यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव ने दौरा किया। अपने दौरे के तहत उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत कई कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया और ग्रामीणों को जल जीवन मिशन को लेकर जागरूक किया। उन्होंने जिले में हर घर नल योजना के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अफसरों को जल पूर्ति के कार्यों को तत्काल पूरे करने के निर्देश भी दिए। पहाड़ पर बसे हुए लोग, ऐसी महिलाएं, गांव में बसी हुई महिलाएं जो दूर दराज की हैं, दो 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 किलोमीटर तक जाकर पानी भर कर लाती हैं, जिसके यहाँ पेट दर्द, घुटना दर्द, कमर दर्द होता है। ये घर तक टोटी पहुंच जाए और शुद्ध पानी उनको घर पर ही मिल जाए, इसलिए महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना की गति स्पीड पर रहे, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि 2023 दिसंबर तक हम लोग काम पूर्ण कर लें किसी तरह। उसी की समीक्षा बैठक है। वहीं अगली खबर गोंडा से, जहां केसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह दिल्ली से गोंडा पहुंचने के बाद लगातार अपने केसरगंज लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और 5 जून को अयोध्या में होने वाले जनचेतना महारैली को लेकर लोगों से जन समर्थन का मांग कर रहे हैं। 5 जून को अयोध्या में चलने वाले रैली का आह्वान उन्होंने किया है। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि अयोध्या के संतों ने 5 जून को अयोध्या के राम कथा पार्क में पूरे देश के संत होंगे और उन्होंने एक आह्वान किया है और हम सब लोगों ने मिलकर तय किया कि पूज्य संतों के आह्वान पर हम कम से कम 11 लाख लोग इकट्ठा होंगे और संत उस दिन बोलेंगे और पूरा देश सुनेगा। संत जो भी बोलेंगे आपके लिए और आपके कल्याण के लिए, आपके भविष्य के लिए बोलेंगे। हमारी आवाज़ को कोई नकार नहीं सकता, लेकिन संतों के देश की आवाज़ कोई दबा नहीं सकता और कोई नकार नहीं सकता। वहीं बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं 2014 में ही राजनीति से संन्यास लेना चाहता था, लेकिन अमित शाह ने नहीं लेने दिया। वहीं पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों पर उन्होंने कहा है कि प्रति घंटे 200 नौजवान आत्महत्या करते हैं, इस कानून के कारण अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे हैं। आज जो चाहे जिसकी जिंदगी बर्बाद कर दे, अगर कोई जिद कर ले मैं झूठ बोलने पर उतारू हो जाऊं तो उसकी जिंदगी को बर्बाद कर सकता हूं। मेरे भाइयों, मेरा इशारा समझो। जब बहराइच में अमित शाह जी से हमारी मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में पलटू राम जी बैठे थे और मैं बैठा था और अमित शाह जी बैठे थे। बातचीत चली, मैंने अमित शाह जी से कहा कि मैं लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहता। सुनिए, 2014 में मैं रिटायरमेंट लेना चाहता था। मैंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। वहीं बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी पर बांदा पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि डीएमएसपी के जेल निरीक्षण के दौरान मुख्तार अंसारी के आईडी प्रूफ कागजों में भिन्नता पाई गई थी। बांदा शहर कोतवाल सीपी तिवारी मामले की जांच कर रहे हैं, साथ ही दस्तावेजों में हेराफेरी की पुष्टि भी हुई है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ कई धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद जेल में सतर्कता भी बढ़ा दी गई है। सीसीटीवी कैमरों से बंदियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। वहीं आगरा में अपर पुलिस आयुक्त की परीक्षा में कई दरोगा फेल हो गए। दरअसल थाने के निरीक्षण पर अपर पुलिस आयुक्त पहुंचे थे, जहां दरोगा एंटी राइफल गन को लोड नहीं कर पाया। फिर एसपी ने दरोगा को गन लोड करना सिखाया। वहीं दूसरी तरफ 4 दरोगाओं ने तो पिस्टल की जानकारी भी नहीं थी। मौके पर मौजूद एसपी ने सबको हथियार इस्तेमाल करने का पाठ पढ़ाया।
मामला खैरागढ़ थाने का है। वहीं पीलीभीत के जटपुरा गांव में महिला की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। महिला के पति कई साल पहले मर चुके थे। वहीं महिला अपने दो बेटियों के साथ रहती थी। आरोप है कि उसके पति की मौत के बाद उसके ससुर मथुरा सिंह ने अपनी सारी जमीन जायदाद अपने बड़े बेटे दलवीर सिंह के नाम कर दी। महिला ने इसका विरोध भी किया था, उसके बावजूद वो लोग नहीं माने और महिला अपने ससुराल में ही रहकर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। आज महिला संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर झूल गई। हालत बिगड़ने पर ससुराल पक्ष के लोग महिला को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां महिला की हालत गंभीर होने पर जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहीं महिला के पिता ने ससुराल पक्ष पर ही महिला की हत्या का आरोप लगाया है। साहब जो है कि हमारे लड़की के घर वाले पहले खत्म हो चुके हैं, उसके बाद वो अपने घर पर रह रही थी अकेले। देखो उसकी दो लड़की हैं जो सामने खड़ी हुई हैं, और जमीन उनके बाप ने बड़े लड़के सब लिखा दी, इनको दी नहीं। अब एक लड़की तो हमारे पास रह रही थी, एक अपनी माँ के पास रह रही थी जटपुरा। अब आज उन्होंने क्या किया, सब जमीन के चक्कर में संदीप और दलवीर ने मिल के आपस में और उसे गला फांसी लगा दी उसकी। वहीं बिजनौर के कॉर्बेट नेशनल पार्क के सटे एक मैदान में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने मृतक की शव की पहचान कराने का बहुत प्रयास किया, लेकिन मृतक के शव की पहचान नहीं हो सकी। जानकारी के अनुसार कालागढ़ में एक युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। शव की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। मामला पुराना कालागढ़ का है। वहीं बस्ती की एमपी एमएलए कोर्ट ने 20 साल बाद आखिरकार 7 मानियों को सजा का ऐलान किया। 2003 के एमएलएसी चुनाव में मतगणना के दौरान पुनः मतगणना को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मारपीट और कुछ वैलेट पेपर को लूटने के मामले में मुकदमा दर्ज हुआ था। पूर्व विधायक संजय जायसवाल, पूर्व ब्लॉक प्रमुख त्र्यंबक नाथ पाठक, पूर्व ब्लॉक प्रमुख महेश सिंह, आदित्य विक्रम सिंह, कंचन सिंह, अशोक सिंह और पूर्व विधायक स्वर्गीय कमाल यूसुफ मलिक के बेटे इरफान मलिक को 3-3 साल की सजा और 2-2 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। इस प्रकरण में यह मामला था कि ये जो दो स्तरीय चुनाव विधान परिषद का होता है, ग्राम पंचायत के प्रधान और बीडीसी इसमें मताधिकार का प्रयोग करते हैं। एमएलसी के चुनाव में श्रीमती कंचना सिंह प्रत्याशी थी और श्री मनीष जायसवाल प्रत्याशी थे। चुनाव के बाद मतगणना का कार्य चल रहा था तहसील परिसर के हाल में, और उस हाल में जब 3:15 का समय था तो उस समय सूचना प्रसारित होने लगी कि संभवतः ये मनीष जायसवाल चुनाव जीत रहे हैं। वहीं पीलीभीत के मनहरिया गांव में एक युवक मजदूरी पर गन्ने की गुड़ाई कर रहा था। दूसरे गन्ने के खेत में तेंदुआ छिपकर बैठा था। इस दौरान मजदूर पर तेंदुए ने हमला कर दिया। मजदूर के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के खेत में काम कर रहे किसान दौड़ पड़े और तेंदुए से मजदूर को छुड़ाया। घटना की जानकारी लगने के बाद घायल मजदूर के परिजन भी खेत पर पहुंच गए और घायल मजदूर को उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया। जिसमें तोड़ रहे थे वो छोटा था, उसके पास जो बड़ा वाला था उसमें से निकला तेंदुआ, हमला बोल दिया। और बाकी जो दूर खड़े थे वो जब तक उसने हमला बोला डायरेक्ट आके सीधे हमला हम पे ही बोला, वो आए चले वो भाग गए।
कम से कम आज 3-4 बार ऐसा हो चुका है। वहीं बहराइच में नवगात जिलाधिकारी मोनिका रानी ने मुख्यालय पहुंचकर जिला कोषागार में पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर मुख्य राजस्व अधिकारी अवधेश कुमार मिश्र सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। अपर पदभार ग्रहण करने के बाद कलेक्टर सभागार में मीडिया बंधुओं के साथ शिष्टाचार भेंट करते हुए डीएम मोनिका रानी ने कहा कि शासन की प्राथमिकता ही उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने कहा कि जन समस्याओं का समाधान उनकी पहली प्राथमिकता होगी। इसमें मेरे द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया है। मेरी पहली प्राथमिकता जनता की जितनी भी शिकायत के प्रति उनकी संवेदनशीलता से कार्य करना, गुणवत्तापूर्ण विस्तार करना, शासन के द्वारा जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है मूर्त रूप से वो धरातल पर सभी जरूरतमंद लोगों तक पहुँचे, ये दूसरी प्राथमिकता होगी। और तीसरी प्राथमिकता जो विभिन्न विभागों के बीच में समन्वय बनाकर एक टीम रूप में कार्य करके शासन द्वारा जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं पूरा करना। वहीं औरैया के पठीन के एक दुकानदार ने आरोप लगाया है कि हमारी दुकान पर एक बुलेट मोटरसाइकिल पर 3 व्यक्ति सवार होकर आए और गाली गलौज करते हुए कहा कि अगर दुकान चलानी हो तो हर महीने हफ्ता वसूली देनी पड़ेगी। फिलहाल दुकानदार मामले को लेकर खौफ में है। वहीं झांसी में दबंगों और माफियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क की जमीन पर गांव के कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर लिया है और ग्रामीणों का आरोप है कि हमारे गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जमीन अगर खाली नहीं होती है तो हम धरने पर बैठ जाएंगे। साथ ही बताया गया है कि हमने SDM साहब को करीब 3-4 बार एप्लीकेशन देते हुए बताया कि हमारे पास की जमीन माफियों और दबंगों के द्वारा खाली करा दी जाए, लेकिन वहां पर लेखपाल जाते हैं और खाना पूर्ति करके आते हैं। साथ ही बताया कि लेखपाल जाते हैं और पैसे लेकर भाग आते हैं। ग्रामीणों ने SDM साहब से न्याय की गुहार लगाई है। आगरा में पुल में डूबते युवक का CCTV फुटेज सामने आया है। युवक दोस्तों के साथ नहाने स्विमिंग पूल में गया था। मौत कैसे हुई इसका पता अभी नहीं लग पाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि शहर के ज्यादातर स्विमिंग पूल पर ट्रेनर तैनात नहीं है। बिना मानकों के स्विमिंग पूल शहर में चल रहे हैं। वहीं झांसी के बरुआ सागर में जल आपूर्ति को लेकर नगरवासी और महिलाएं सड़क पर उतरे हैं। जल संस्थान कार्यालय पर दर्जनों महिलाओं ने हाथ में बर्तन लेकर जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही जल संस्थान अधिकारियों कर्मचारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए हैं। पिछले कई दिनों में नगर की जल आपूर्ति ठप बनी हुई है। जल संस्थान कार्यालय पर ताला लगा देख लोगों का गुस्सा और बढ़ गया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जुबेदा है। क्या समस्या है बताएं? लाले की टोरिया में हम लोग रहते हैं जी। वहाँ समस्या ये है कि नल नहीं आते हैं। नल नहीं आते हैं। अगर मुकेश के यहाँ कोई फंक्शन हो या कोई प्रोग्राम हो तो नल बहुत आते हैं। अगर मुकेश का मकान बन रहा हो तो रात भी चलते हैं, दिन भी चलते हैं, 24 घंटा चलते हैं। अगर किसी के यहाँ कोई मर जाए तो नल नहीं खोलता है, किसी के यहाँ शादी हो तो नहीं खोलता है। वहीं झांसी के गांव
कनौरा के किसानों ने विद्युत विभाग की अवैध वसूली, तानाशाही, गुंडई, दबंगई के विरुद्ध किसान पंचायत लगाई, जिसका नेतृत्व किसान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष शिव नारायण सिंह ने किया। किसानों ने बताया कि हमारा गांव मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है और मऊरानीपुर से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। अप्रैल महीने में बिजली विभाग की टीम गांव आई और गांव में विद्युत कनेक्शन की जांच पड़ताल किए बिना लगभग 40 कनेक्शनधारियों के नाम लिखकर उनके खिलाफ विद्युत चोरी का मुकदमा दर्ज कराने की धमकी देकर कुछ कनेक्शनधारियों से अवैध वसूली करके उनका नाम विद्युत चोरी से काट दिया और जिन्होंने उनके अनुरूप राशि नहीं दी उन कनेक्शनधारियों के खिलाफ विद्युत चोरी के नोटिस थमा दिए, जिससे यहां के कनेक्शनधारी दहशत में हैं। कनेक्शनधारियों ने बताया कि हमारे पास लीगल विद्युत कनेक्शन है और समय से हम अपना बिजली का बिल भी जमा करते हैं और जब हमने बिजली का कनेक्शन लिया था तब हमें पुराने बिजली मीटर दिए गए थे, आज वो जर्जर हो चुके हैं। हमने बिजली विभाग को लिखित और मौखिक रूप से अपने यहाँ के बिजली मीटर बदलवाने का आवेदन दिया था, लेकिन उन्होंने बिजली का मीटर नहीं बदला। नेताजी क्या मामला है? देखिए मामला है, ये जनपद झांसी है, ब्लॉक बंगरा का खिसनी खुर्द की पंचायत कनौरा। यहाँ पर विद्युत विभाग की तानाशाही, भ्रष्टाचारी, अवैध वसूली चरम पर है। विगत 15 दिन पूर्व यहाँ विजिलेंस की टीम आई और यहाँ पे लगभग जांच पड़ताल में कई किसानों पर फर्जी मुकदमे किए गए विद्युत चोरी के, जो कि विद्युत विभाग का ये दावा सरासर गलत है। विद्युत विभाग सिर्फ अवैध वसूली के चक्कर में किसानों को नोटिस थमा कर अवैध वसूली करने की फिराक में यहाँ आई थी और वो नोटिस थमा कर चली गई, जबकि यहाँ के ग्रामीणों ने बताया है कि हम लोग। नेताजी क्या मामला है? देखिए आज हम गांव कनौरा में है और ये आपका तहसील मऊरानीपुर में पड़ता है और यहाँ पे जब मैंने आके मिले हैं लोगों से, किसानों से बातचीत की है, तो उन्होंने बताया कि विद्युत विभाग की अभी कुछ दिन पहले एक टीम आई हुई थी और कुछ किसानों के नाम लिख के लेके चली गई और वहाँ पे फिर उनके पास नोटिस थमा दिया गया। जब इसकी जांच पड़ताल की कि भैया क्या किस आधार पर नोटिस आए, तो पहले देखा कि भाई विद्युत कनेक्शन आपके हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रदीप, मेरे पिताजी का नाम है पुष्पेंद्र। कहाँ के रहने वाले? हम ग्राम कनौरा के रहने वाले हैं, तहसील मऊरानीपुर, जिला झांसी। क्या मामला हो गया है गांव? मामला सर ये हो गया है कि जो विद्युत विभाग वाले आए थे और वो बिना जांच किए फर्जी तरीके से झूठा मुकदमा लिख दिया है सर। हमारा भी नाम है पिताजी का। वहीं झांसी में तहसील समाधान दिवस पर ग्राम कुम्हरिया से चलकर आए बुजुर्ग, जो दोनों पैरों से दिव्यांग हैं और चल भी नहीं पाते हैं, अपने पुराने हाथ वाले रिक्शे को चलाकर तहसील टहरोली परिसर में पहुंचे और उन्होंने बताया कि साहब इस रिक्शे को चलाने से मेरे हाथ पैर दर्द करने लगते हैं और मैं कहीं पर भी नहीं पहुँच पाता। दिव्यांग बुजुर्ग ने कहा कि साहब मुझे बैटरी से चलने वाला ई रिक्शा दिलाया जाए, जिससे उसे आने जाने में कोई परेशानी ना हो। का नाम दादा तुम? हमारा सुमेर नाम। कहाँ से आए हो? हम कुमरिया टहरोली से। टहरोली से आए? चाय खिलाने आए तहसील में? तहसील में ही खिलाने आए, रक्षा मिल जाए हमें। हाँ। तो कछु हमें मदद मिल जाए। अभी रक्षा है तो आपके पास? जो है तो यान सब हाथ प्राण लगत का करें। शिकायत कर दी आपने? हाँ। क्या कह रही थी? भेजा कह रहे हम आ रहे थे। बताओ आपने गए थी? हाँ हम सड़क कहाँ पहुँच पाऊ, गए है तो वो। कौन गया था? पाल है को। पाल को लाए थे आप? हाँ। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गर्मी के मौसम में आदमी पानी पानी की एक बूंद के लिए परेशान रहता है, वहीं तहसील टहरौली की छत पर रखी टंकी से प्रतिदिन सैकड़ों लीटर पानी नाली में बहाया जा रहा है और छत पर भी काफी पानी भरा हुआ है। इस ओर तहसील प्रशासन का कोई ध्यान नहीं है। टहरौली कस्बे में बिजली के साथ साथ पानी की किल्लत पैदा होने लगी है,
जबकि गर्मी का मौसम अभी आरंभ ही हुआ है। वहीं तहसील प्रशासन की नाक के नीचे लापरवाही के चलते आए दिन सैकड़ों लीटर पानी की बर्बादी हो रही है। तहसील प्रशासन द्वारा टंकी भरने के लिए समर का प्रयोग किया जाता है। कर्मचारी उसे चलाने के बाद यहां तक नहीं देखते कि टंकी भरी है या नहीं। टंकी भर जाने के बाद पानी फैलता रहता है। वहीं झांसी में गरौठा चौराहे पर वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां 16 वाहनों से 15,000 रुपए राजस्व वसूला गया, जिसमें दो पहिया वाहन चालकों और चार पहिया वाहन चालकों को द्वारा नियमों का पालन न करने पर कार्रवाई की गई। सब इंस्पेक्टर वरिष्ठ उपनिरीक्षक शेरपाल सिंह, अंकित पवार, मोहम्मद हारून द्वारा दो पहिए वाहन चालकों को हेलमेट पहनने की बात कही गई और चार पहिए वाहन चालकों से सीट बेल्ट लगाने की भी बात कही गई। पुलिस द्वारा करीब 50 वाहनों को चेक किया गया, जिसमें से 16 वाहनों पर कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान 16 वाहनों से 15,000 रुपए का राजस्व वसूला गया। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल उपस्थित रहा। वहीं हरदोई जिले में एक दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया है, जहां बारात आने से पहले शादी की खुशियां मातम में बदल गई। खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग से ननद और भाभी की मौत हो गई, जबकि चार लोग गंभीर रूप से झुलस गए। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने दोनों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कल राखी जो है, राखी सिंह की शादी थी, संजीव सिंह की बिटिया की, तो उसमें मेहमान आए हुए थे, घर में खाना बना रहे थे। संजीव सिंह की जो पत्नी थी मंजू सिंह, खाना बना रही थी और संजीव सिंह की बहन पड़ोस में बैठी हुई थी। तो जब तक सिलेंडर लीकेज हुआ, लीकेज की वजह से आग लग गई, जिससे दोनों लोगों की मृत्यु हो गई। एक दुखद घटना थाना कोतवाली देहात के नीर गाँव अंतर्गत घटित हुई है, जिसमें मंजू जी और शर्मिला ये दोनों लोग खाना बना रहे थे। उसी वक्त वहाँ पे एक सिलेंडर रखा हुआ था, वो गिर गया। वहीं औरैया नगर निकाय चुनाव के बाद पहला समाधान दिवस आयोजित किया गया, जहां सीडीओ अनिल कुमार ने शिकायतें सुनी। कुल 36 शिकायतें मिली, जिनमें से 6 शिकायतों का हल कर दिया गया। बाकी बची हुई शिकायतों को संबंधित अधिकारियों को दे दिया गया है और जल्द ही इसका निस्तारण किया जाएगा। समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी के ऊपर चल रहे मुकदमे का लगभग एक महीने में निस्तारण हो जाएगा और माननीय न्यायालय इस संदर्भ में अपना निर्णय सुनाएगी। वहीं कानपुर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आनंद प्रकाश तिवारी ने बताया कि जजमुआ में बुजुर्ग महिला के प्लॉट में हुई आगजनी के मामले को लेकर कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन है। इस मामले में अभी 4 गवाहियां होना है। 1 माह के अंदर ही ये सभी गवाहियां पूरी की जाएगी तथा समय समय पर सीमा पर इसका निर्णय लिया जाएगा। कानपुर पुलिस ने अभियोजन के साथ खड़े होकर के समय से सारी गवाहियां पूरी हो जाएं और क्वालिटेटिव मैनर में हमारा पूरा वहीं सहारनपुर में थाना सरसावा पुलिस की आज सुबह बदमाश से मुठभेड़ हो गई, जहां 50,000 रुपए का इनामी बदमाश और मीर हसन के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है। वहीं एक बदमाश मौके से फरार हो गया। फिलहाल फरार बदमाश की पुलिस तलाश कर रही है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।